अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जा रहे हैं एक्सपो सेंटर वैक्सीनेशन के लिए। बस अब हम पहुंचने वाले हैं, तकरीबन पहुंच ही गए। तो आज फिर मैं आपको बताती हूँ वहाँ पहुँच कर क्या वहाँ पे सिलसिला है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। हम दोनों जा रहे हैं क्योंकि हम दोनों काफ़ी बड़े हो गए, इस वजह से हमने कहा चलो लगा लो। वैसे अभी तक हमें अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना नहीं हुआ। अल्लाह ताला उससे महफूज रखे हमें, आमीन। चलें फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक्सपो सेंटर पहुँच के। पार्किंग का इंतजार करना पड़ रहा है। ये तो देखो लाइन उल्टे हाथ पे। ये लोगों की लाइन लगी हुई है जी। ये देखें जनाब, ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो हम क्या ये सुबह हो जाएगी हमको? चलो लगता है ऐसी वापस जाएंगे हम। पार्किंग की तो जगह मिल गई है, वैक्सीनेशन पता नहीं किस टाइम होगी अब हमारी, देखते हैं आज होती भी है कहीं। ये देखें कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, पता नहीं कहाँ तक है। वीडियो में तो नहीं नज़र आ रही पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ तक पहुँच गए, बस अब थोड़ा सा रह गया। कितना टाइम हो गया हम लोग? 15 मिनट 20 मिनट हो गए हम बीस लाइन में लगे हुए हमें। आपको कैसा फील हुआ? कुछ भी नहीं, नॉर्मल से ठीक लग रहा है। अभी तक कुछ फील तो नहीं हो रहा? कुछ भी दर्द वर्द नहीं। आपने सीधे हाथ में लगाया उल्टे हाथ में? लेफ्ट। मैंने तो सीधे हाथ में लगाया, उसने सीधे हाथ पे ही लगा दिया मेरे। लोग जा रहे, कुछ हुआ नहीं है 5 मिनट में, तो इंशाल्लाह घर जाके भी कुछ ना हो। दुआ कीजिएगा आप लोग सब। जी तो अभी मैं घर पहुंच गई हूँ,
मैंने सोचा आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं, क्योंकि वहाँ पे तो अंदर की वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, अलाउ नहीं था वहाँ पे वीडियो बनाना। बाहर तो मैंने वीडियो बना ली थी जो कि मैं अपलोड कर दूंगी। अंदर जाके अंदर चेयर्स रखी हुई हैं। अब बारी बारी जो है वहाँ पर पहले बीपी चेक हो रहा है, फिर आपको एक स्लिप दी जाती है, फिर आप वहाँ से एक कंप्यूटराइज्ड स्लिप एक मिलती है आपको, वो लेके आप जो है अंदर जाते हैं। वहाँ आपको आराम से मेल एंड फीमेल अलग अलग इंजेक्शन लग रहे हैं, लेडीज़ को लेडीज़ लगा रही हैं, जेंट्स में जेंट्स लगा रहे हैं। आराम से हो गया, ये कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। और इंजेक्शन लगाने के बाद उन्होंने हमें यही कहा कि आप तकरीबन 30 मिनट के लिए आप वहाँ पे वेट करें, वेटिंग रूम में बैठ जाएं, क्योंकि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, कोई आपको तकलीफ़ होती है, तो उसी वक्त वहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, तो वो आप उनको दिखा सकते हैं। हम लोगों ने भी तकरीबन 15 मिनट हम बैठे हैं वहाँ पर, तो ऐसा तो कोई मसला नहीं हुआ अभी तक, तो कोई ऐसा दर्द वर्द नहीं है। तो फिर हम वहाँ से निकल गए। लोग बैठे थे, वेट कर रहे थे, तकरीबन सारे ही लोग आ रहे थे, बूढ़े भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं, अधेड़ उम्र के भी आ रहे हैं। और अभी तक भी हम वहाँ से निकले हैं तो वहाँ पे लाइन लंबी लगी हुई थी, मतलब रश कम नहीं हुआ हुआ था, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं हुआ था। आराम से आपको वैक्सीनेशन हो रही है, आराम से इंजेक्शन लग रहे हैं, कोई ऐसी बदमजगी नहीं है, कोई धक्कम पेल नहीं है, सब आराम से अपनी बारी का वेट करके और फिर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो आप लोग भी जाइए, सेफ रहिए, वैक्सीनेशन लग करवा लीजिए अपनी। अभी ये हमें आज लगा है, अब ये 1 जुलाई को हमें लगेगा सेकेंड डोज इसकी। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस वबा से महफूज रखे, कोरोना की बीमारी से महफूज रखे। और आप लोग दुआ कीजिएगा कि अभी ये जो मैंने इंजेक्शन लगाया है, इससे मुझे कोई तकलीफ़ ना हो, बुखार वुखार ना चढ़े, दर्द ना हो। अगर कुछ हुआ ऐसा तो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगी। वैसे दुआ तो यही है कि कुछ ना हो। चाइना का ये था, और इसमें तो सुना है कि नहीं होता, जो यूके का है उसमें शायद सुन रहे हैं कि थोड़ी तकलीफ़ होती है, बुखार चढ़ जाता है। हम लोगों ने तो चाइना की वैक्सीनेशन लगवाई है, अब देखें आगे क्या होता है, अल्लाह मालिक है। अभी तक तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सीधे हाथ पे मेरे लगा है। तो बस फिर मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।